हेलो डियर स्टूडेंट, मैं अनिकेत पाठक आप लोगों का टॉप 10 क्लासेस में स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट, ये आपका चैनल आप लोगों को 80 या 90% दिलवाने का शुरू से वादा करते आ रहा है, तो केवल आप लोग इसके साथ लगे रहिएगा, ये चैनल आपको जरूर पूर्ण कराएगा। तो इससे पिछले वाले क्लास में हम लोगों ने लेंस के चिन्ह परिपाटी सीखे थे, आज हम लोग जानेंगे लेंस का सूत्र क्या होता है और लेंस के सूत्र के आधार पर कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल जो कि बोर्ड के पेपर में कई बार वो पुटअप किए गए हैं वो क्वेश्चन आज आपको बताए जाएंगे। तो चलिए हम लोग आज लेंस के लिए यू वी तथा एफ में संबंध क्या होता है वो जानेंगे। तो डियर गाइज, सबसे पहले हम लोग जानते हैं माना वस्तु की प्रकाशिक केंद्र से दूरी क्या मान लिए, U और प्रतिबिंब की प्रकाशिक केंद्र से दूरी क्या लगवा लिए, V, ठीक। और फोकस दूरी क्या मान लिए F मान लिए। तो लेंस का सूत्र क्या हो जाएगा, डे स्टूडेंट क्या हो जाएगा, 1/V - 1/U = 1/F। ये होता है डे स्टूडेंट लेंस का सूत्र। डे स्टूडेंट, आपके जो इस कक्षा 10 का जो सिलेबस है उसमें इसका उत्पत्ति कहाँ से होता है, इसका जो डेरिवेशन होता है वो आपको नहीं करने हैं डियर स्टूडेंट, केवल इतना ही पूछता है, इतना ही लिखना रहता है। और इसको आपका जो उत्पत्ति होता है वो आपको कक्षा 12 की क्लास में मिल जाएगा। केवल आपको यहाँ पर ये फार्मूले लिख के इस फार्मूले पर कुछ सवाल के अभ्यास करने रहते हैं। तो डियर स्टूडेंट, ये होता है यू वी तथा एफ में संबंध, इसे ही लेंस का सूत्र भी कहते हैं। यू क्या है, वस्तु की दूरी, वी है प्रतिबिंब की दूरी, एफ क्या है, फोकस दूरी है। डियर स्टूडेंट, इस फार्मूले को आप अच्छे से नोट कीजिएगा और अच्छे से दिमाग में रखिएगा। आइए हम लोग इस पे सवाल को नोट करते हैं, हल करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, डियर गाइज, आपका इस फार्मूले के आधार पे कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, आइए उनको देखते हैं, ठीक। तो डियर स्टूडेंट, ये कुछ क्वेश्चन हैं जो कि बोर्ड पेपर में पूछे गए हैं 2013, 2016, सब हर एक क्वेश्चन तीन चार नंबर के पूछे गए हैं, वो तीन नंबर है, वो चार नंबर है, ये चार नंबर दोनों क्वेश्चन हैं। तो किस फार्मूले पर आधारित है, लेंस के फार्मूले पर आधारित है। क्या कर रहा है, एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है, कितनी है डियर स्टूडेंट, सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, एक अवतल लेंस की फोकस दूरी कितनी है, 30 सेंटीमीटर है। तो एफ का मान दिया है, ध्यान से समझिएगा, एफ बराबर 30 सेंटीमीटर। तो चिन्ह परिपाटी से अवतल लेंस की जो फोकस दूरी होगी वो 30 सेंटीमीटर हो जाएगी, क्या हो जाएगी, 30 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब आगे पढ़िएगा, लेंस के सामने 15 सेंटीमीटर दूरी पर रखी, तो 15 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु, तो वस्तु की जो दूरी है वो U = कितना है, 15 सेंटीमीटर, ये -15 सेंटीमीटर हो जाएंगे। प्रतिबिंब की स्थिति यानी V? आपको प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करना है कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो डियर स्टूडेंट, सबसे ज़्यादा जरूरी होता है चिन्ह परिपाटी लगाना, तो ध्यान से समझिएगा, एक ही ट्रिक है आपने पढ़ा था, चलिए इसको आपको अभ्यास करा देते हैं जरा सा। ये आपका अवतल लेंस हो गया, ये मुख्य अक्ष हो गया। आपने क्या कहा कि आपने पढ़ा था कि यदि प्रकाश किरणें ऐसे मुख्य अक्ष के समांतर आपतित हुई तो आपतित होने के पश्चात इसकी दिशा इधर हो गई, और जो अवतल लेंस का जो प्रथम मुख्य फोकस होता है या ये दूरी, फोकस दूरी ये कहलाती है डियर स्टूडेंट, तो जो फोकस दूरी होगी वो चलने वाली प्रकाश किरणें के विपरीत दिशा में मापी गई थी, इसलिए फोकस दूरी ऋणात्मक हो गई। और क्या कह रहा है, आपका जो U है वो क्या है, U तो सदैव आपकी क्या होगी, बाएं तरफ रखे रहते हैं, तो वो उसकी दूरी क्या होगी, ऋणात्मक हो जाएगी। V ज्ञात करना है। तो डियर स्टूडेंट, लेंस के सूत्र से क्या जानते हैं, 1/V - 1/U = 1/F। आपको V का मान ज्ञात करना है, तो डियर स्टूडेंट 1/-1/U इधर चला जाएगा, जब इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 1/V = 1/F + 1/U मान रख दीजिए। 1/F का मान कितना है, -30 है,
यहाँ प्लस हो जाएगा वन अपान यू, यू का मान कितना है माइनस 15 है। तो डियर स्टूडेंट 30 और 15 का लसप लेंगे तो कितना आएगा 30 आएगा, 30 एक के 30 तो एक का मल्टीप्लाई एक बार करोगे माइनस एक हो जाएगा, 15 दूनी 30 तो माइनस 2 आ जाएंगे यहाँ पर, इन दोनों को प्लस कर देंगे तो माइनस 3 अपान 30, 3 एक के 3, 3 धम्मा कितने हो गए 30, तो वी 1 बटे वी बराबर माइनस 1 बटे 10 बचा है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे वी बराबर माइनस 10 सेंटीमीटर। यहाँ माइनस केवल ये दिखा रहा है कि प्रतिबिंब जो है आपका क्या बना है आभासी बना है और कहाँ पर बनेगा 10 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा। पूछ रहे थे ना प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा डियर स्टूडेंट, तो लिखेंगे प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। आप दूरी कभी ऋणात्मक नहीं ली जाती इसलिए आप क्या करेंगे माइनस वहाँ छोड़ देंगे और प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बन जाएगा। तो डियर गाइज इस प्रकार कितना सरल क्वेश्चन है और इतने सरल क्वेश्चन को आप हल करके आपके 3 नंबर कंप्लीट हो जाते हैं। तो चलिए अगले सवाल पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर दूसरा आपसे कह रहा है 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस। तो प्यारे बच्चों डे स्टूडेंट क्या कर रहा है 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस से 30 सेंटीमीटर। तो प्यारे बच्चों इसका भी जो फोकस दूरी होती है उत्तल लेंस की भी फोकस दूरी क्या होगी ऋणात्मक होगी, तो बराबर कितना हो जाएगा माइनस 15 सेमी। फिर आगे क्या कर रहे हैं उत्तल लेंस से 30 सेंटीमीटर दूर स्थित यू, तो यू कितना है 30 सेंटीमीटर। तो मैंने बताया वस्तु की दूरी सदैव क्या होगी ऋणात्मक होती है। अब कह रहा है स्थित वस्तु के प्रतिबिंब की दूरी बताइए यानी v बराबर क्वेश्चन मार्क। तो प्यारे बच्चों लेंस के सूत्र से, लेंस के सूत्र से, लेंस का सूत्र क्या था 1 अपान वी माइनस 1 अपान यू बराबर 1 अपान एफ, क्या था 1 अपान एफ। तो देखिए प्यारे बच्चों v ज्ञात करना है इसको हम लोग पक्षांतर कर देंगे इधर कर देंगे 1 अपान वी बराबर 1 अपान एफ प्लस 1 अपान यू। अब क्या करेंगे 1 अपान एफ का मान एफ कितना है माइनस 15 है और प्लस यू का मान कितना है माइनस 1 अपान कितना हो गया 30 हो गया। तो डियर स्टूडेंट इस प्रकार हो गए। अब क्या करना है इसमें आप देख सकते हैं ये हो गए 1 अपान वी बराबर। अब इसको हल करेंगे तो इसे इन दोनों का एलसीएम लेंगे कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा 15 दूना 30 यहाँ हो जाएंगे माइनस 2 आ जाएगा, क्या आ जाएगा माइनस 2, 30 एक के 30 यहाँ माइनस 1 हो जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट माइनस 2 और माइनस 1 क्या कर दिए माइनस 3 बटे 30 कैंसिल कर दोगे तो ये आ गए 1 बटे वी बराबर माइनस 1 बटे 10, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे वी बराबर माइनस 10 सेंटीमीटर यानी जो प्रतिबिंब बनेगा वो 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। आप इसका भी इस देख लीजिएगा ये क्वेश्चन कितने नंबर का पूछा गया 4 नंबर। तो डियर स्टूडेंट देख लीजिए 4 नंबर के सवाल कितने सरल होते हैं, आप इसे आसानी से हल कर सकते हैं, छोड़ना नहीं है प्यारे बच्चों, सवाल एक ही तरीके के हैं आपको केवल लगाने हैं प्यारे बच्चों। चलिए हम लोग इसी क्रम में आपका जो तीसरा सवाल है उसको देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है उत्तल लेंस से 30 सेंटीमीटर दूर स्थित एक वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब 20 सेंटीमीटर पर दूरी पर बनता है। क्या पूछा 30 सेंटीमीटर दूर स्थित तो u बराबर माइनस 30 सेंटीमीटर है। आगे क्या कह रहा है प्रतिबिंब 20 सेंटीमीटर दूरी पर वास्तविक बनता है, आभासी नहीं वास्तविक यानी 20 सेंटीमीटर आपके प्लस हो जाएंगे प्रतिबिंब की दूरी। लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करना यानी एफ, तो आप फार्मूला जानते हैं डियर स्टूडेंट लेंस के सूत्र से, लेंस का सूत्र क्या पढ़े हैं 1 अपान वी माइनस 1 अपान यू बराबर 1 अपान एफ। आपको 1 अपान एफ ज्ञात करना है 1 अपान वी, 1 अपान वी का मान, वी का मान 20 है माइनस 1 बटे यू, यू का मान कितना है माइनस 30 है। तो डियर स्टूडेंट बराबर 1 बटे क्या हो गया एफ हो गया, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, 1 बटे कितना आ गया 30 बराबर 1 बटे एफ हो गए। 30 और 20 का लसप ले लीजिए तो 30 और 20 का लसप लेंगे तो 60 आएगा,
बीस त्याई साठ तो तीन इक्के तीन, तीस दूनी साठ तो यहाँ दो आ गए, बराबर कितना आ गया एक बटे एफ। तीन और दो जोड़ दिए पाँच बटे साठ बराबर एक बटे एफ। ए पाँच इक्के पाँच बारह पंचे साठ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो यहाँ एक बटे बारह बराबर एक बटे एफ बचा है, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे यह बराबर 12 सेंटीमीटर आ जाएंगे। तो जो इसकी फोकस दूरी होगी वो 12 सेंटीमीटर आ जाएगी। डियर स्टूडेंट आप मिलाना चाहते हो, आपके आंसर भी पूर्ण रूप से मैच कर रहे हैं। तो डियर गाइज ये जो 2016 का क्वेश्चन था चार नंबर पूछा गया था आपके सामने है। प्यारे बच्चों आज की क्लास में हम लोगों ने लेंस के सूत्र के यू वी एफ के बारे में जाना, लेंस का सूत्र क्या होता है वो जाने, उसके आधार पे कुछ आपको न्यूमेरिकल के अभ्यास कराए गए। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और प्यारे बच्चों अगर इसके आधार पे आपको कहीं क्वेश्चन मिलते हैं पेपर में तो आप हल कर लेंगे, उम्मीद करते हैं और आशा भी रखते हैं कि आपको ये क्वेश्चन आ गए होंगे। और अगर कहीं मॉडल पेपर हल करते समय आपको कहीं समस्याएं आती हैं तो बेहिचक कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, हम आपके हर एक समस्याओं को दूर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू बच्चों, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।